रमोजनाडम द्वादश राशि चक्र में आज हम बात कर रहे हैं नौमी राशि यानी कि धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातक अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि उनका जीवन स्वस्थ, सुखी और अधिक समृद्धशाली बन सके। तो ज्योतिष शास्त्रों में से बहुत सारे उपाय हमारे पूर्वाचार्यों ने बताए हैं। प्रत्येक राशि के जातक अपने अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव करें, किस प्रकार के कार्य करें, किस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हो सके। तो ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग रत्नों की विवक्षा है, अलग अलग पेड़ों की जो वृक्षों की जड़ होती हैं उनके बारे में बताया गया है, या फिर आप राशि के अनुकूल ईष्ट रुद्राक्ष को भी धारण करके अपने जीवन में रूपांतरण कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के जातक अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए या कि अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें कि उनके जीवन में और स्वस्थ और निरोगता और शांति और समृद्धि का वास आ सके। तो धनु राशि के जातक पहले समझे धनु राशि का स्वभाव कैसा है। तो धनु राशि के जातकों का स्वभाव काफी उग्र भी होता है, काफी अभिमानी टाइप के लोग होते हैं, घमंडी टाइप के लोग भी होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप पावर पाई जाती है, नेतृत्व क्षमता उनके स्वभाव में होती है, वे अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे राजनेता बन सकते हैं और अच्छे समूह के नेतृत्व में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी उनका स्वयं का अभिमान, स्वयं का घमंड उनके लिए शत्रुता का भी कार्य करता है। तो धनु राशि के जो जातक हैं वे अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए अगर पंचमुखी रुद्राक्ष, क्योंकि धनु राशि का स्वामी है गुरु और गुरु को केंद्रित करने के लिए ज्योतिष शास्त्रों में पंचमुखी रुद्राक्ष की विवेचना की गई है, तो धनु राशि के जातक सबसे पहले तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहने या फिर अपने जीवन को और बेहतर रूप देने के लिए वे 11 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत शक्तिशाली और बहुत चमत्कारों से परिपूर्ण होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि वो साक्षात कालाग्नि रूप है और पंचमुखी रुद्राक्ष की जो ऊर्जा है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसलिए वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि जो व्यक्ति अपने गले में रुद्राक्ष की माला को धारण करता है वो व्यक्ति अपने हृदय को मजबूत करता है, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और शारीरिक रोगों से दूर रहता है। अब कई बार ये जिज्ञासा मन में पैदा हो सकती है कि रुद्राक्ष के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, रुद्राक्ष को किसी भी धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष एक चमत्कारिक वनस्पति है जिसका प्रभाव, जिसका फल हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। जैसे आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जिनको आप खा करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जिनको आप लगा करके लेप के माध्यम से भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका स्पर्श मात्र ही स्वास्थ्य को प्रदान करता है। तो रुद्राक्ष एक ऐसी वनस्पति है जिसके अंदर तीनों गुण समाहित हैं। आप खा करके भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष को लेप के माध्यम से लगा करके भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो स्किन डिसीज हैं, जो त्वचा के रोग हैं, वो रुद्राक्ष के लेप से ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही रुद्राक्ष का जो पैराडायनेमिक फील्ड है उसके स्पर्श करने मात्र से भी बहुत सारे रोगाणु विषाणु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि रुद्राक्ष की जो डायनेमिक फील्ड है उसका स्पर्श ही मात्र ही आपके शरीर को, आपके ऑरा को, आपके आभा मंडल को बड़ा सशक्त बनाता है। तो धनु राशि के जातक अपने जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो व्यवधान पैदा हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए और अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष की माला के साथ साथ यदि 11 मुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न करके धारण करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में रूपांतरण होगा, उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम जरूर हैं, उनको भी हमें समझ लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। रुद्राक्ष धारण करके कभी भी शमशान घाट में या कब्रिस्तान में नहीं जाना है। रुद्राक्ष पहन करके कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना है। रुद्राक्ष पहन करके कभी भी रात्रि में शयन नहीं करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जितना अधिक आप अपने प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतना अधिक रुद्राक्ष आपके लिए सकारात्मक सिद्धि प्रदान करेगा, चमत्कारिक सिद्धि प्रदान करेगा। इसलिए रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी ऐसी लोक प्रचलित मान्यताएं हैं जिनकी गहराई में हम जाना नहीं चाहेंगे। बस ये समझने का प्रयास करें कि रुद्राक्ष एक चमत्कारिक वनस्पति है, ठीक रत्नों की तरह। जैसे अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह के रत्न हैं,
अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं, ऐसे ही अलग अलग तरह की वनस्पतियां हैं, लेकिन रुद्राक्ष अपने आप में एक चमत्कारिक वनस्पति है। यदि आप महंगे महंगे रत्न नहीं पहन सकते हैं तो आप रुद्राक्ष धारण करके उसके चमत्कारिक लाभों से अपने जीवन को चमत्कृत कर सकते हैं, अपने जीवन को लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी अपनी राशि के इष्ट रुद्राक्ष को विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित करा करके शुभ मुहूर्त में धारण करिए और अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाइए। ओम अरहम।